वेलकम फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई ट्रिक नंबर 10। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी नंबर को हम 5 से, 25 से, 125 से और 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिए हुए हैं, इनको हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे। मान लो हमें दिया हुआ है 24, 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारे पास ये है कि जो भी नंबर आपको दिया है उसका हाफ कर दो, मतलब उसका आधा कर दो और उसके पीछे जीरो लगा दो, ठीक है। तो आपका वो जो नंबर है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 24 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 24 का हाफ कर दो, हमें प्राप्त होगा 12, इसके पीछे लगा दो जीरो, एक जीरो, तो इसलिए ये हमारे पास आंसर आ गया। जैसे 326 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, 326 का हाफ हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे देखो इसका हाफ 16, इसका हाफ 3, मतलब 163 आ गया, इसके पीछे जीरो लगा दो, तो 1630 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह इसका हाफ करते हैं, हमें प्राप्त होता है 4 का हाफ 2, 1, 2, 4, और इसके पीछे हम जीरो लगा देते हैं, तो इसलिए 21,240 हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हैंडी फॉर्मूला है, इसके हेल्प से आप मतलब कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो बड़ी इजीली 1 या 2 सेकंड में ही कर सकते हो। इसी तरह मान लो आप 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कुछ नंबर लेते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है 484, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा नंबर है 328, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तीसरा नंबर है 132, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसको आप 4 पे डिवाइड कर दो, ठीक है, और उसके जो आपके पास आंसर आएगा उसके पीछे 2 जीरो लगा दो, तो इससे आपका जो मतलब नंबर है वो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे जहाँ पे पहला नंबर है 484, इसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं, हमें प्राप्त होता है 121, इसको 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे जीरो लगा दो, डबल जीरो सॉरी, तो 12,100 इसका आंसर आ गया। 328 को करते हैं, 4 पे डिवाइड करो इसको, 4 8 32, 4 2 8, 82 आ गया, ठीक है, इसके पीछे लगा दो डबल जीरो, तो ये हमारा आंसर आ गया। 132 को करना है, 4 पे डिवाइड करो, 4 3 12, 1 बच गया 12, 4 3 12, 33 आ गया, डबल जीरो लगा दो, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो आपको नंबर को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा और पीछे 1 जीरो लगानी पड़ेगी। अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो दिए हुए नंबर को 4 से डिवाइड करना है और पीछे डबल जीरो आएगी। चलिए अब हम अगला लेते हैं, 125। किसी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, इसके लिए भी हम कुछ नंबर लिख लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 136 गुना 125, इसी तरह 256 गुना में 125। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं उनको आपने 8 पे डिवाइड करना है, डिविजिबल बाय 8। जैसे 136 है, इसको 8 पे डिवाइड करो आप, 8 एकम 8 बच गए 5, 56 8 7 56 17 आ गया। अब 125 के लिए आप इसके पीछे 3 जीरो लगाएंगे। जैसे 256 है,
आठ पे डिवाइड करो, आठ या 24, एक 16, आठ दून 16, 32 आ गया। तो इसके पीछे लगा दो 3 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो है 15। 15 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, इसके लिए भी हम कुछ नंबर ले लेते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है 72, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, आपको क्या करना होगा, जो 72 है 72 ऐसे ही लिखना है, इसका हाफ इसमें ऐड कर दो 36, तो और गुना में 10 करना है। ये जो सारा चीज है वो माइंड नहीं हो सकती है, हमें प्राप्त हुआ 108 और पीछे 0, 1080 हमारा आंसर आ गया। चलिए एक नंबर और लेते हैं, जैसे 64 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम बिना लिखे करेंगे। 64 में इसका हाफ जोड़ो 32, 64 प्लस 32 96, इसके पीछे लगा दो 0, तो ये हमारा 960 आंसर आ गया। फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूलाज हैं बड़े हैंडी हैं, ठीक है, इनके हेल्प से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर सकते हैं। चलिए एक एक एग्जांपल सभी की फिर ले लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया हुआ है 132, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले हम 132 का हाफ करेंगे, हमें प्राप्त होगा 2 6 12, 1 बच गया, फिर 2 6 12, 66 मतलब 66 आ गया, तो इसके पीछे हम लगा देंगे 0, 660 हमारा आंसर हो गया। अब किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 132 ही लगा लो दोबारा, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 4, इसके लिए हमने 2 किया था। 132 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 1 12 बच गए, 4 3 12, ठीक है, 25 से करने हैं तो इसके पीछे डबल 0 लगा देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 3300। इसी तरह 125 से करना है तो 8 पे डिवाइड करोगे और इसके आंसर के पीछे आप 3 0 लगा दोगे। थैंक्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर को 11 मतलब 11 के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं।